बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुबई पिजन क्लब में खुशामदीद कुर्बान भाई के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज ये जोड़ा मेरा बाकी था जो मैंने शिफ्ट नहीं किया था नए केज में, तो वो वजह ये थी कि ये जो बच्चा आप इसके साथ देख रहे हैं ये बहुत ही छोटा था उस टाइम में जब मैंने अपना ये लॉफ्ट यहाँ से अपना ब्रीडिंग के जो लॉफ्ट था वो मैंने अपना नया बनाया था और उसमें शिफ्ट करना था। तो ये जो आज का पॉइंट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ये बहुत ही अच्छा है और बहुत फ़ायदेमंद है और नए शौकीन हज़रात के लिए। तो वो ज़्यादातर ख़ास तौर पे ये ख्याल करना चाहिए जब हम केज के जोड़े के जो छोटे बच्चे होते हैं उस टाइम में हमें जोड़े को शिफ्ट कहीं भी नहीं करना चाहिए, उसे तब तक वहीं पर रखें जब तक ये बच्चा इतना बड़ा ना हो जाए। जैसे आप देख रहे हैं ये बच्चा बैठा है, तो ये बच्चा जो है तो इसलिए ये बच्चा अब बड़ा हो गया है। अब माँ बाप अगर इसे खाना ना भी खिलाएं तो इसके सामने अगर खाना रखा होगा, पानी रखा होगा, तो ये ख़ुद भी खा लेगा और इसे भी माँ बाप कुछ नहीं कहेंगे इसे। तो ये जो ऐसे होता है कि हम लोग जोड़े जो छोटे बच्चे हों तो उस टाइम में हम लोग इसको शिफ्ट करना चाहें तो वो बिल्कुल ना करें, उसका ख़ास तौर पर ख्याल करें। तो मैंने कहा चलें ये मैं आज शिफ्ट कर रहा था अपने अपने नए जाल में, नए केज में जो ब्रीडिंग केज है मेरा, तो उसमें शिफ्ट कर रहा था। मैंने कहा वीडियो बना दूँ एक, तो ये एक अच्छी पॉइंट है नए शौकीन हज़रात के लिए जो वो यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ अगर करें कबूतरों को तो उसका ख़ास तौर पे ख्याल किया करें ताकि छोटे बच्चे के टाइम में जोड़े को चेंज ना करें। तो अब ये जो बच्चा आप देख रहे हैं ये बड़ा हो गया, अब इसे प्रॉब्लम नहीं है, माँ बाप इसे ना भी खिलाएँ तो ये खा लेगा। तो इतने बच्चे ख़ुद भी खा लेते हैं और मतलब है पानी भी देख लेते हैं, दाना भी देख लेते हैं, उठाना शुरू करते हैं, समझदार हो जाते हैं इतने बच्चे भी। तो अभी मैं इसे अलग भी नहीं करूँगा माँ बाप से, इसे अभी मैं जो जहाँ पर शिफ्ट करने वाला हूँ वो भी आप लोगों को दिखा दूँगा मैं। तो आइए फिर मैं इसे अभी पकड़ के नए अपने केज में छोड़ रहा हूँ, तो आप लोगों के साथ मैं वो भी शेयर कर दूँगा, तो मेरे साथ बने रहें। तो ये देख लें अभी मैंने इसे अपने बड़े इसके अपने पिंजरे से इसे निकाल के केज से निकाल के तो इसमें रखा है। तो अभी इसे लेके मैं ऊपर जाऊंगा, तो ये बच्चा भी देख लें आप, बच्चा भी बिल्कुल तंदुरुस्त है और बिल्कुल सेहतमंद है। तो अभी इसे लेके ऊपर जा रहा हूँ, तो बाकी वहाँ पर वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों इसे ले आया ऊपर बड़े केज जो नया बनाया था उसमें ले आया हूँ, तो ये यहाँ पर इसे बिठा दिया मैंने, देख सकते हैं बिल्कुल ये अभी ये यहाँ पर, और ये पानी का भी ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है और ये दाने भी और डब्बा भी लगा हुआ है। तो इस तरह ये भी अभी ये बच्चा भी बिल्कुल दाने के करीब है और पानी के करीब है, तो इस तरह ये दाना पानी भी उठा के खाएँगे। तो बाकी भी इसी तरह बैठे हुए हैं, देख लें आप, तो ये इस तरह बैठे हुए हैं। अभी ये थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं, डर रहे हैं, लेकिन ये सेट हो जाएंगे क्योंकि इनके आसपास कोई केज नहीं था, कबूतर आसपास कोई नहीं थे इसके। तो इस तरह ये भी बैठा हुआ है, देख सकते हैं दो अंडों के साथ, और ये दो बच्चे बैठे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी बहुत फ़ायदेमंद लगेगी, बहुत फ़ायदा देगी, क्योंकि जब बच्चा छोटा हो ना, मतलब है तकरीबन ऐसे समझ लें 8-10 दिन का, तो उस टाइम आप बिल्कुल मत छेड़ें जोड़े को, सेपरेट ना करें, कोई इधर उधर ना करें। तो ये माशाल्लाह अभी देख लें आपके सामने है, ये 15-20 दिन हो गए हैं अभी, ये बिल्कुल सेट है, तो बिल्कुल इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी के साथ ही अपने कुर्बान भाई को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।